नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण एस्ट्रो और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। साल 2024 कैसा रहेगा, क्या धन की वर्षा होगी, किस क्षेत्र में लाभ मिलेगा, ये सवाल मिथुन राशि वालों के मन में जरूर उठ रहा होगा। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में देने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त गुरु जी मानेन्द्र जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो गुरु जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि साल 2024 उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या उनके लिए धन की वर्षा होगी। देखिए, धन की वर्षा की इच्छा तो हर व्यक्ति की होती है। हर कोई ये चाहता है कि उसके जीवन में खूब धन बरसे, पर माँ लक्ष्मी का वास तो हर किसी के घर नहीं हो सकता। हमारा प्रारब्ध होता है, हमारे कर्म होते हैं, कुंडली के ग्रहों का प्रभाव होता है। पर मैं मिथुन राशि वालों आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आपको धन वर्षा के, धन प्राप्ति के योग जरूर मिलेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब अगर शुरुआत की बात करें 2024 की, तो वो थोड़ी ढीली रहेगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो बुध ग्रह बनते हैं, जो चंचल ग्रह हैं, तीव्र बुद्धि के हैं, जल्दी रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं, वो खुद छठे भाव में रहेंगे। रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे तनाव के घर में रहेंगे और वो भी शुक्र के साथ रहेंगे। आप बोलोगे हमारी तो वर्ष की शुरुआत ही बेकार हुई, पर ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ष खराब जाएगा। आपके लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। फरवरी के महीने में विशेष रूप से 15 फरवरी से लेकर के और मंथ एंड तक आपको बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आपको, इसलिए मैंने कहा कि एक पेपर पेन आप जरूर रख लेना, नोट कर लेना, इस पर आप इम्पोर्टेंट डेट डाल सकते हो। आप जून में एक तारीख लिखें, 15 जून। 15 जून से लेकर के और 25 दिन का जो आपका समय रहेगा, ये राजयोग वर्धक रहेगा और इसमें एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। बड़ा उत्तम राजयोग होता है इस टाइम पीरियड में। जैसा भी अनुराधा जी ने कहा कि क्या धन लक्ष्मी योग बनेंगे, बिल्कुल धन लक्ष्मी योग बनेंगे इस टाइम पीरियड में। और एक डेट आपको 22 सितंबर लिखवाना चाहता हूँ, ये भी आप जरूर लिख लीजिए। यहाँ से 22 सितंबर से लेकर 25 दिन तक भी आपके लिए भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा, धन की वर्षा होगी। पर दोस्तों, अगर मैं एक ओवरऑल आपको कंक्लूजन दूं पूरे वर्ष 2024 का, तो मैं ये कहूँगा मदर की हेल्थ के लिए वर्ष अच्छा नहीं है। इस वर्ष में आपको प्रॉपर्टी, सुख साधन से संबंधित चीजें अर्जित करने में बड़े चैलेंजेस फेस करेंगे। इस वर्ष में आपके कैरियर के घर पर राहु का प्रभाव रहेगा, तो बड़ा उतार चढ़ाव और हर्डल्स आएंगे आपके कैरियर के अंदर, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। पर अगर मैं ओवरऑल ये देखूं कि क्या भाग्य आपका साथ छोड़ देगा, तो जो मन में प्रश्न उठता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है, और उसको सहयोग करने में जो विशेष रूप से सहयोग करेंगे वो शनि देव हैं, क्योंकि वो भाग्य के घर में बैठे हैं। 30 वर्ष के बाद भाग्य के घर में आए हैं, इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। और आपकी राशि के स्वामी के मित्र भी हैं, पर उनकी नीच दृष्टि आपके बड़े भाई बहन के घर में जा रही है। वर्ष 2024 में लिख लेना, आपको पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि बड़े भाई बहनों के साथ आपकी नहीं बन पाएगी, और आपकी 1 मई के बाद उनके साथ तकरार बढ़ने लगेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भी 12वें भाव में चले जाएंगे। तो मैं एवरेज में कहना चाहूंगा कि वर्ष 2024 आपके लिए मिला जुला है, भाग्य के लिए ठीक है, पर तनावपूर्ण परिस्थितियां बराबर बनी रहेगी, ये मैं सभी मिथुन राशि से कहूंगा। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मिथुन राशि वालों के लिए साल 2024 काफी अच्छा रहने वाला है, मां लक्ष्मी की कृपा भी उन पर बरसेगी, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी झोली धन से भरी रहे। तो गुरुजी, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जागरण एस्ट्रो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये खास कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।